Assalamualaikum, how are you guys? After a very, very, very long time, I have come again. और मैं जो आई हूँ बच्चों के लिए फन और लर्निंग दोनों लेके आई हूँ और एक ऐसी जगह लेके आई हूँ, एक ऐसी जगह मैंने विजिट किया जहाँ फन और लर्न दोनों हो रहे थे. यस, पीका बेयर के नाम से ये है जगह जहाँ पे आपको ये सब कुछ मिलेगा. ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए एक चीज़ बनाई है कि आपको दिखाऊं कि पीकर बेयर में ये चीज़ें हैं. आप लोग इधर आए, विजिट करें, बच्चों के लिए ये चीज़ें हैं. ठीक है, अच्छा जी, ये इसका एंट्रेंस एरिया है और एंट्रेंस एरिया कुछ इस तरीके से है. मैंने जो विज़िट किया था ये कराची में तीन है पीकर बेयर, और ये मैंने यूनिवर्सिटी रोड वाला विज़िट किया था. ठीक है, ये इनका एक सॉफ्ट एरिया है जहाँ पे बच्चे जो है ना एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिविटी ये चढ़ने वाली एक्टिविटी कर सकते हैं और इससे इनकी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी रहेगी. ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव रहेंगे और इन्होंने ना ये एक फन और फन वाला ना एक जगह बनाई थी. ये देखिए कुछ इस तरीके से, और बच्चे इसको बहुत इंजॉय कर रहे थे. हर तरह की एज 1 to 10 ईयर्स के बच्चे जो थे ना वो ये थे. तो मेरे 4 ईयर वाले जो है ना वो बहुत इंजॉय किया. ये देखिए एक छोटे बच्चे का जो 1 to 4 ईयर्स के बच्चे ना उनके लिए नीचे एक सेटअप था. मेरे पास इतनी उम्र के बच्चे बहुत नीचे इंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीज़ें थी इंजॉय करने की. देखिए मैंने पूरा एक अलग से लिया था कि आप लोग देख सकें और आप लोग भी अपने बच्चों के साथ विज़िट करने आए जहां आपको कन्वीनियंट पड़े. मैंने भी इसको यूट्यूब पर सर्च की थी ये जगह, और बच्चों के लिए कुछ अलग सी जगह ना ये देखिए, ये एक साइंस एक्टिविटी है और इसको भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया. इसी तरीके से एक एक्टिविटी थी मेज की जहाँ बच्चे जो है ना वो इंजॉय कर रहे थे. अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है ना वो ये आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे जो थी ना, स्क्रीन पे जो है ना बच्चे बॉल कर रहे थे तो एक ब्लास्ट हो रहा था और इस तरीके का एक गेम चल रहा था, गेम खेलना था उन्होंने. तो ये भी एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त चीज़ थी. ठीक है, इसके अलावा जो है ना अंदर बाउंसिंग एरिया भी दिया हुआ था जहाँ बच्चे जाके बाउंसिंग कर रहे थे. ये देखिए ये चीज़, और मेरे बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया. लेकिन टाइम लिमिटेशंस थे, इधर 45 मिनट्स का स्लॉट लेना है आपने या 90 मिनट्स का स्लॉट लेना है. मैं आपको प्राइस बताती चलूँ, 45 मिनट्स के फ्राइडे टू संडे जो प्राइस थे वो 700 थे, और जो आपके वीकेंड है, वीकडेज हैं जो आपके मंडे टू थर्सडे हैं, उसमें आपके प्राइस थोड़े कम हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं. और अगर आप 90 मिनट्स का स्लॉट लेंगे तो 900 मिलेंगे फ्राइडे टू संडे, और बाकी डेज में आपको 700 का पड़ेगा. तो ये इनके प्राइस थे, और बच्चों को बैंड पहना देते हैं, और अगर मदर्स विलिंग है जाने की तो उनको 50 रुपीज़ का बैंड अलग से पहनाते थे, मदर या फादर जो भी बच्चों के साथ अंदर जाना चाह रहा है. वरना अगर आपके बच्चे इस एबल हैं तो आप बाहर वेट करें, बच्चे खुद इंजॉय कर लेंगे. ठीक है ना, और ये मेरे बच्चे देखिए किस तरीके से फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत इंजॉय किया. लेकिन टाइम लिमिटेशन कम थी तो टाइम के बाद जो है ना उनका और दिल कर रहा था कि और करें और करें और करें. तो ये एक इंडोर थीम पार्क है, जब बाहर का वेदर ख़राब हो, अच्छा ना हो, गर्मी लग रही हो तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और फन और लर्न दोनों इकट्ठा हो सकते हैं ना. हमारे चैनल का नेम भी यही है कि डी लर्निंग विद फन. तो एक हमने एक ऐसी जगह एक्सप्लोर की है जहाँ पे बच्चे फन और लर्न दोनों साथ साथ करेंगे. उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स जरूर करिएगा. अल्लाह हाफिज़.